रवैया है केंद्र और राज्य सरकार के, उसके विरोध में हमारा कल राजभवन मार्च है विभिन्न मुद्दों को लेकर, 14 सूत्री मांगों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है और प्रधानमंत्री लगभग कितने लोग रह सकते हैं इस कल 20,000 से ऊपर किसान पूरे बिहार से आ रहे हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति उसकी संख्या बढ़ेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ कल तेजस्वी की सेना सड़कों पर उतरने वाली है। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल राजद किसान प्रकोष्ठ के तमाम नेता जो है कल सड़कों पे उतरने वाले हैं। राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन यादव ने कहा कि हम अपने 14 सूत्री मांग को लेकर राजद कल सड़कों पे केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार के नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है, और उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो राजद की तरफ से रहेगा वो MSP रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन यादव, आइए हम आपको सुनवा। क्या कुछ होने वाला है? कल हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तरफ से देश और बिहार में जो किसानों के प्रति बर्बरतापूर्ण रवैया है केंद्र और राज्य सरकार के, उसके विरोध में हमारा कल राजभवन मार्च है विभिन्न मुद्दों को लेकर, 14 सूत्री मांगों को लेकर। इस आलोक में सबसे प्रथम और मुख्य मांगे हमारी है MSP को कानूनी दर्जा। जब मुख्यमंत्री गुजरात का ये हुआ करते थे, आपको मालूम है, तब लगातार इस तरह से अभिनय में थे प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में कि कांग्रेस सरकार या UPA की सरकार ये कानूनी दर्जा MSP को नहीं दे। MSP मतलब है कि संपूर्ण लागत का 1.5 गुना, ये अभी तक कर नहीं रही है। और इनके द्वारा भ्रामक, हम कहेंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री लगभग कितने लोग रह सकते हैं इस कल 20,000 से ऊपर किसान पूरे बिहार से आ रहे हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति उसकी संख्या बढ़ेगी। जो मुझे मिनिमम जानकारी है, सब लोग चारों तरफ से खोज से जो जिनकी जो सुविधा जिन अनुकूल जो इनके और ट्रेन की सुविधा है, जिनको कोच से जिनकी अपनी गाड़ी है, उस हिसाब से सारे लोग किसान मध्यम वर्ग को सारे लोग पहुंच रहे हैं। और ये सरकार जो है राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार गुमराह कर रही है। इनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके देश की जनता को गुमराह किया और कहा कि 17 लाख करोड़ का घाटा, कल के दुश्मन 17 लाख करोड़ का घाटा, 17 लाख करोड़ जो है पूरे भारत के फसलों का कीमत है, जिसमें दूध फल सब्जी तमाम प्रकार के, ना केवल 22 फसलों की, तो 17 लाख करोड़ आप खरीद रहे हैं। खरीदने की उतनी आवश्यकता, जब बाजार में भाव गिर रहा हो गेहूं का मक्का का, तब खरीदते हैं आप, बढ़ने पर बेचते हैं। तो ये तमाम सारी लंबी एक फहरिस्त है जिनको हम बोले तो मुद्दतें बीत जाएगी, मेरी बातें खत्म नहीं होगी। और इन सारे सवालों को लेकर के कल राजभवन मार्च है, न केवल राजभवन मार्च है बल्कि कल से हमारा राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ का चरणबद्ध आंदोलन शुरू है। जब तक सरकार जगेगी नहीं, जब तक सरकार झुकेगी नहीं, मांगों को मानेगी नहीं, तब तक राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ बिहार समेत देश भर में इस आंदोलन को करने का काम करेगी।